नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा 18 अगस्त को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में, इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 12:45 से, यानी कि 12:45 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले वनडे मुकाबले के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के ODI रिकॉर्ड्स क्या हैं। वहीं पर इस पहले वनडे मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर इस पहले वनडे मुकाबले के लिए हरारे की वेदर रिपोर्ट क्या है, और इस पहले वनडे मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए हरारे की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहां पर बारिश की फोरकास्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया, वहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पर जब सुबह के टाइम ये मुकाबला स्टार्ट होगा और दिन के टाइम तक चलेगा, उस बीच में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, जबकि क्लाउड कवर भी 0% फोरकास्ट किया गया, यानी कि आपको प्लेंटी ऑफ सनशाइन देखने को मिलेगी मैच के दौरान। परफेक्ट वेदर रहेगा क्रिकेट मैच के लिए, और आपको यह मुकाबला बिना किसी इंटरप्शन के पूरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों इस मैदान पर अभी तक टोटल 165 ODI मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 78 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 84 मैचेस जीते हैं। एक मुकाबला टाई हो गया था, जबकि बाकी के दो मैचेस का रिजल्ट नहीं निकला था। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 231 रन का रहा है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 195 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल ODI मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि इस मैदान पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम ने ही ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं, यानी कि इस पिच पर चेजिंग टीम को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। और ये जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए पूरे मैच के दौरान ही अच्छी रहती है। जो शुरुआती ओवर्स होते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, वहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए हमने हाल फिलहाल के जो मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं वहाँ पर ये भी देखा है कि जो 290 और 300 के स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बने हैं वो भी सेकेंड इनिंग्स में आसानी के साथ चेज हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मैच में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है। हालांकि आपको जो ओवरऑल एवरेज इनिंग्स के स्कोर्स हैं वो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं वीडियो में आगे आपको रीसेंट ODI मैचेस के एवरेज स्कोर्स दिखाऊंगा तब आपको एवरेज स्कोर हाई नजर आएंगे। इसका मतलब बैटिंग के लिए कंडीशंस यहां पर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 350 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो जिम्बाब्वे की टीम का है श्रीलंका के खिलाफ 35 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 328 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो जिम्बाब्वे की टीम ने किया है अफगानिस्तान के खिलाफ 129 ऑल आउट। इसके अलावा अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लें तो 200 से नीचे का स्कोर इस मैदान पर टोटल 34 बार बना है, जबकि 200 से 249 के बीच में टीम्स ने 50 बार स्कोर किया है। इसके अलावा 250 से 299 के बीच में टीम्स ने 46 बार स्कोर बनाया है, जबकि 300 के ऊपर का स्कोर आपको 13 बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जो ज़्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर हैं वो इस मैदान पर 250 से 300 के बीच में ही बनते हैं। और इस मुकाबले में मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 270 या 280 के आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेले गए रीसेंट ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की। तो जो लास्ट 5 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उनमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ एक मुकाबला जीता है, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 242 रन का रहा है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 223 रन का रहा है।
तो दोस्तों आप इन लास्ट 5 ODI मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर भी जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है और इसीलिए उस टीम ने ही ज्यादा मुकाबले जीते हैं। जबकि आपको ये जो लास्ट 5 ODI मैचेस के एवरेज स्कोर्स हैं वो भी हाई नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हाल फिलहाल में इस पिच पर बैटिंग के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी रही हैं दोनों इनिंग्स में। और अभी जो पिछली वनडे सीरीज इस मैदान पर खेली गई थी बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में, वहां पर दोस्तों बैटिंग के लिए कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी थी। दो मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 290 और 300 के ऊपर देखने को मिला था और दोनों मैचेस में ये स्कोर बहुत ही आसानी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने चेस कर लिया था। तो इस मैदान पर दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए कंडीशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, ऐसे में बड़ा स्कोर भी चेस किया जा सकता है। और अगर हम बात कर लें इस मैदान के पिछले 5 ODI मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो जिम्बाब्वे ने बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ 307 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल है वो जिम्बाब्वे की टीम का है अफगानिस्तान के खिलाफ 135 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो जिम्बाब्वे की टीम ने किया है बांग्लादेश के खिलाफ 307 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो बांग्लादेश की टीम ने किया है जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पहले वनडे मुकाबले में हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों जो पिछले 5 ODI मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 37 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 24 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। जहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 22 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 15 विकेट मिले हैं। इसके अलावा राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को 15 विकेट मिले हैं जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को टोटल 3 विकेट मिले हैं। तो दोस्तों आप इन लास्ट 5 ODI मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी हेल्प मिली है। स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहां पर ये देखा गया है कि स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पेशली राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को इस पिच से काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिली है, इसलिए उन्होंने इतने ज़्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। फर्स्ट इनिंग्स हो या फिर सेकेंड इनिंग्स हो, दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स के लिए मिडिल ओवर्स में हेल्प रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फास्ट बॉलर्स की, तो जो शुरुआती ओवर्स होंगे दोनों इनिंग्स में वहां पर आपको तेज गेंदबाजों के लिए मदद देखने को मिलेगी, गेंद काफी ज्यादा स्विंग भी करेगी। वहीं पर शुरुआती ओवर्स में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस भी तेज गेंदबाजों के लिए देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो और उन 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले जिम्बाब्वे की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं तकु जबनाशे काइटानो के साथ तदी बनाशे मरुमानी, नंबर 3 पर आ सकते हैं इनोसेंट काया, नंबर 4 पर वेस्ली मैदवीरा, नंबर 5 पर सिकंदर रजा, नंबर 6 पर कैप्टन एंड विकेट कीपर रजिस चकाबा, नंबर 7 पर टोनी मुनियोंगा, नंबर 8 पर ल्यूक जोंगवे, नंबर 9 पर ब्रैड इवांस, नंबर 10 पर विक्टर नयाचू और नंबर 11 पर तनाका चिवांगा या फिर रिचर्ड नगारवा में से कोई एक खेल सकता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले वनडे मुकाबले के लिए इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों आपको इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं कैप्टन केएल राहुल के साथ शिखर धवन, नंबर 3 पर आ सकते हैं शुभमन गिल, नंबर 4 पर ईशान किशन या फिर राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 पर विकेट कीपर संजू सैमसन, नंबर 6 पर दीपक हुड्डा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर दीपक चहर, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज आने वाले हैं। फ्रेंड्स ये रहा पहले वनडे मुकाबले के लिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपको किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये पहला वनडे मैच जीतने वाली है। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।